हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पिछले कई दिनों से आपके कंटिन्यूसली इस तरह के फोन आ रहे हैं, मैसेज आते हैं और मेरे पास भी और प्रतीक सर के पास भी। तो हम दोनों लोगों ने ये मिलकर डिसाइड किया कि हम आपके साथ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। सेशन इस बात पे है कि MCA के लिए ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, बेसिकली ये बात है। दूसरा, अब इसमें ड्रॉप को लेकर जो जो बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने हमसे बात कर ली उनको तो हमने रिप्लाई दिया, पर ऐसे बहुत और भी बच्चे होंगे इंडिया में जो अभी भी इस कंफ्यूजन में है या ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ड्रॉप लेना ठीक होगा कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ड्रॉप एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, ये डिसीजन आपका होगा, क्योंकि जब आप ड्रॉप लेते हैं तो पहली चीज ये कि ड्रॉप मतलब होता है एक साल का आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर कोई बच्चा मुझसे बोलता है कि सर एक साल खराब तो नहीं हो जाएगा, तो मैं बोलता हूं फिर ड्रॉप मत लो, क्योंकि खराब नहीं कर रहे आप, ये एक साल का आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपके आने वाले जीवन को बदलने वाला है, तो कभी भी ड्रॉप का नुकसान नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं जो जो हमारे पास मैसेज आए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फाइनल तक पढ़ाई नहीं की, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको फरवरी मार्च में पता चला कि निमसेट जैसा भी एग्जाम होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई की पर उतनी सीरियसली नहीं की, इसलिए ड्रॉप लेना पड़ा। तो ऐसे सभी स्टूडेंट को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर मैं हमेशा हर ड्रॉप, जितने बच्चे ये सेशन सुन रहे हैं अगर आप में से किसी ने मुझसे फोन पे बात की होगी तो मैंने क्वेश्चन हमेशा पूछा अगर ड्रॉप नहीं तो क्या, ये एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि ड्रॉप नहीं तो क्या। आपका मान लो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं जहां पे प्लेसमेंट कम अच्छे हैं या नहीं के बराबर है, ऐसे में आप फंस सकते हैं। एक चीज, आपका 10th 12th में परसेंटेज अच्छा नहीं है और आपने ड्रॉप भी नहीं लिया और आपने प्राइवेट कॉलेज में लिया तो प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन होती हैं। तो मैं चाहता हूं बच्चों आप लोग एक बात समझें कि जब हम NIT से MCA करते हैं NIMCET के थ्रू, तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि NIT त्रिची, वारंगल, सूरतकल, वहां पे एक तो 10th 12th के परसेंटेज की प्रॉब्लम खत्म होती है, प्लेसमेंट 100% है और 20-30-40 लाख तक के प्लेसमेंट होते हैं, एक अच्छा क्राउड मिलता है। तो ड्रॉप कभी भी नुकसान नहीं देता, वो आपके जीवन को बनाने वाला है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्रतीक सर से भी बच्चे बात करते हैं, तो आप वो चीज बताइए जो बच्चों की एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती है। अभी जो प्रॉब्लम्स जो आती है सुनने में, जैसे कि अभी एग्जाम अभी हो गया है, तो अभी एग्जाम होने के बाद अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग का हो चुका है, आ चुका है। तो अभी अलॉटमेंट की सब लोग को कंफ्यूजन है कि मुझे अलॉट होगा कि नहीं कॉलेज। थर्ड राउंड का काउंसलिंग अभी बाकी है, किसी को स्पॉट के लिए सोच रहे हैं, और क्योंकि अब NIMCET में HCU से भी मिल रहा है, HCU भी मिल रहा है और HBTU भी मिल रहा है और IPU भी मिल रहा है, तो ये 2-3 ऑप्शंस और इनके पास ओपन हो गए। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ गया है, क्योंकि अब क्या है कि जितने सीट्स हैं, मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर इन सबका जोड़ लिया जाए तो 5,000 से 10,000 सीट्स हो जाती हैं, और अगर इतने बच्चे तक की अगर रैंक है, अगर 5,000 7,000 तक की भी अगर रैंक है तो सभी को कॉलेज मिल जाएगा। तो अब अगर देखा जाएगा तो इसका मतलब कि कोई भी नॉन सेलेक्टेड तो है नहीं, सभी को ही कॉलेज मिल जाएगा। फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि मतलब किसको ड्रॉप लेना है किसको नहीं लेना है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर NIT मिल रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उसमें हमने देखा कि 809 हमारे पास सीटें हैं, तो 809 तक का तो हमें ले लेना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा पे अगर जाते हैं तो HCU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि खुद में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सिटी भी है, वहां पर क्राउड मिल जाता है और भी कई सारी IT सिटी है, तो वहां पर कई सारा बेनिफिट मिल जाता है। तो ऐसा है कि हैदराबाद भी अगर मेन यूनिवर्सिटी अगर मिलती है तो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर HBTU की बात करते हैं, IPU की बात करते हैं, कई सारे प्राइवेट और कॉलेजेस हैं, अगर हम VIT की बात करते हैं या फिर BIT की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें कि अगर हम सोचते हैं कि एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पे अब हमें सोचना चाहिए कि हमें हमारे लिए क्या सही होगा। अगर हमने अभी तक ड्रॉप नहीं लिया है, अगर हमारा फर्स्ट टाइम ही है, अगर हमने फर्स्ट टाइम ही ड्रॉप अगर हमने लिया ही नहीं है, हम फ्रेशर हैं, तो हमें ड्रॉप लेना ही चाहिए, 100% लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपका कुछ ईयर तो वेस्ट हुआ ही नहीं है, आपने अभी उसके लिए तैयारी नहीं करी थी, कॉलेज के साथ में आपने एग्जाम दिया, तो आपका ड्रॉप तो काउंट होगा ही नहीं, तो उनको तो ड्रॉप ले ही लेना चाहिए। अब अगर किसी ने ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका है और उसके बाद भी अगर उसको कॉलेज अब डाउट में है कि कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं होगा, या फिर ये जो मुझे IPU मिल रहा है, HBTU मिल रहा है, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसमें अब ये क्राइटेरिया रहेगा कि आप मेंटली किस तरह से प्रिपेयर है। मगर अगर आप मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, मैं एक साल और ड्रॉप देके अच्छा एग्जाम निकाल सकता हूं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर जिन्होंने दिया है, जिन्होंने ड्रॉप लिया है, उन्होंने एग्जाम सच में उसकी तैयारी करी थी कि नहीं करी थी, मतलब उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी होगी, हो सकता है उन्होंने सेल्फ स्टडी करी होगी, हो सकता है उनको अभी पैटर्न अभी समझ में अब आया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे जिनको कि एक्चुअल में उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया था, तो उन्होंने हैंडल नहीं कर पाए, इस कारण उनका पेपर बिगड़ गया, नहीं तो उनकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती। तो इन सब के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो एक साल का ड्रॉप ले लें, क्योंकि अगर वो अगर ड्रॉप ले लेंगे तो नेक्स्ट ईयर उनको नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा त्रिची, अगर वो चले जाते हैं तो। अगर मान लीजिए ड्रॉप नहीं लेते, हम दोनों सिचुएशन देखते हैं,
पहले हम सिचुएशन देखते कि हमने ड्रॉप नहीं लिया, कॉलेज ले लिया। कॉलेज अगर ले लिया और हमने 3 साल वहां पे इन्वेस्ट करा, अब 3 साल की बात है और 3 साल बाद भी अगर मान लीजिए अगर जॉब नहीं लगी तो एक या अच्छी जॉब नहीं लगी, अगर जॉब लग गई तो 3-4 लाख के पैकेज पे, 5 लाख के पैकेज पे लग गई, और अगर नहीं लगी तो फिर हमने 1 साल हम जॉब के लिए भटके तो वो भी ड्रॉप के बराबर ही हो गया। और अगर मान लीजिए लग भी गई, 3-4 लाख की जॉब लग गई, तो 1-1.5 लाख रुपए तो 1 साल का खर्चा हो जाता है, हमारा सेविंग हुई हमारे पास 1-1.5 लाख रुपए। उसी तरीके से अगर हम 1 साल ड्रॉप ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया और अच्छे कॉलेज में जाके अगर हमने 10-15 लाख का अगर पैकेज ले लिया, तो हमारी सेविंग जो 1-1.5 लाख की थी वो 10 लाख की सेविंग में कन्वर्ट हो गई, तो वो सबसे अच्छा बेनिफिट है। प्लस वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट है, हमको लाइफ टाइम हमारे पास वो डिग्री रहेगी। तो अगर एक भी बार ड्रॉप नहीं लिया तो 2 सिचुएशन आ गई, अगर एक भी बार अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया है, अगर आप फ्रेशर हैं तो ड्रॉप ले ही लेना चाहिए, नो डाउट। और अगर आपने अगर ड्रॉप ले लिया है और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1 साल और ड्रॉप अगर करता हूं तो मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी, ये बात की आपको श्योरिटी है, मतलब आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो फिर ड्रॉप ले लेना चाहिए। नहीं तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, जो आपने कहा कि वेस्ट नहीं होता, ये इन्वेस्ट होता है। तो इन्वेस्ट अगर हमें कर रहे हैं तो कर लेना चाहिए, ये मेरा सोचना है। और उसके बाद फिर अगर आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, जैसे कि मुझसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे कि अगर हमने ड्रॉप ले लिया तो हम किस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, हमें किस टाइम पे ड्रॉप लेने के बारे में सोचना चाहिए, या फिर अभी हम काउंसलिंग अभी चल रही है तो हम क्या काउंसलिंग का वेट करें खत्म होने का, पूरा काउंसलिंग खत्म हो जाए उसके बाद हम आके ज्वाइन करें, या ऐसा भी कोई ऑप्शन हो सकता है कि हम पहले आके ज्वाइन कर ले और फिर काउंसलिंग के बारे में भी सोचते रहे पैरेलली। देखो जैसा अभी आपने प्रतीक बोला ना, एक और चीज अच्छी बात आपने बोली कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी, जब मुझसे बच्चे मुझसे पूछते हैं, जैसे कल ही मुझसे 2 बच्चों की बात हुई तो उन्होंने बोला सर हमारा ड्रॉप नहीं है पर हैदराबाद में हमारा लिस्ट में नाम है, पर मन ऐसा कर रहा है ड्रॉप ले लूं, पर एक मन कह रहा ले लो, घर वाले प्रेशर बना रहे। तो मैंने उसको एक सजेशन दिया कि आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुआ, आईपी हुआ, वीआईटी हुआ, या सपोज एसबीटी हुआ, इन कॉलेज में जाइए, जाके एडमिशन भी ले लीजिए या तो पहले जाइए। सबसे अच्छा तरीका होता है क्या होता है कि आपका असेसमेंट जब खुद हो, इंटरनल बिलीव होगा तो ड्रॉप का फायदा है। जब आपको भरोसा हो कि नहीं मैं तो कर सकता हूं और ये मेरा साल खराब नहीं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि 1 साल जिसको आप बचा रहे हो वो आपके जीवन के अगले 50 साल बनाने वाले हैं, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं। तो इन 50 साल जिससे जीवन के बन रहे, तो 1 साल तो उसके कंपेयर में बहुत छोटा समय। तो आप लोग क्या करिए, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी है या सपोज एसबीटीयू है या सपोज आईपी यूनिवर्सिटी है, आप लोग खुद विजिट करिए और विजिट करने पे 3-4 चीजें खुद ऑब्जर्व करिए। नंबर 1, जो आपके सीनियर वहां पे मिलेंगे पहले उनसे बात करिए कि यहां पर प्लेसमेंट कैसे है, नंबर 1 प्लेसमेंट है तो कितने परसेंट है, नंबर 2, नंबर 3 की प्लेसमेंट में कितना पैकेज जाता है, फिर कॉलेज में आप देखिए कि फैकल्टी स्टाफ कैसा है, सपोर्ट कैसा होता है, क्या 10-12 ग्रेजुएशन के परसेंट भी देखे जाते हैं। अगर इन सबसे आप सेटिस्फाई होते हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं तो वेल एंड गुड, नहीं तो टेक अ ड्रॉप, ये कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये मेरा, मैंने सभी बच्चों को यही सजेशन दिया कि ऐसे में आप खुद, जैसे अपने को हमें पता है, आप भी देखते हैं कि एनआईटी त्रिची में कोई बच्चा गया तो 25-30 लाख से प्लेसमेंट में हो रहा है, या कैलीकट में गया या इलाहाबाद में गया, 15 एवरेज प्लेसमेंट ही वहां का 8-10 लाख है, स्टार्टिंग ही 8 लाख होगा। अब ऐसे में अगर आप ऐसे कॉलेज में जहां पे एडमिशन ले रहे हैं, जहां पे चलो अपन अच्छी कंडीशन मान लेते हैं कि प्लेसमेंट हो रहा है तो 4 लाख का हो रहा है या 5 लाख का, पर अगर 1 साल इन्वेस्टमेंट करने से डबल से ज्यादा सैलरी हो रही तो ये तो पूरे लाइफ टाइम काम आएगी, क्योंकि उसका ग्रोथ रेट भी उतना ही हाई रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को ये असेस, क्योंकि पढ़ना उसे होता है, जब हम ड्रॉप लेते हैं तो नो डाउट बहुत प्रेशर रहता है, फैमिली का भी, सेल्फ भी, तो ये प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। और आप अपना, हमारे, हम भी देख रहे हैं सेकंड ईयर के सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे भी, और कई जगह सेकंड वाले बच्चे हैं। और आज अगर हम देखें तो आप लोगों को एक बात और बोलूंगा कि जो बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए एनआईटीज में, मुझे नहीं लगता हर दूसरा बच्चा वो इम्पिटस के कोर्स से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो ऑनलाइन या क्लासरूम कोर्स से, अच्छी बात है। दूसरा, आप जिससे भी सजेशन लें वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको इस पूरी चीजों की नॉलेज हो। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता निमसेट क्या होता है, वो बोल देंगे अरे ड्रॉप क्यों ले रहे हो, ऐसा नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, आईआईटी के लिए भी लोग ड्रॉप लेते ही हैं, वही चीजें वही बॉडी कंडक्ट कर रही है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बस शर्त यह है कि कमिटमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और विल पावर, और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कुछ बोले आपको अपने डिसीजन में चेंज नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस भी बताओ, क्योंकि इस समय बहुत बच्चा मिसगाइडेड है और परेशान है एक्चुअल में। अपना सेशन का भी पर्पज ये है कि जिनसे बात नहीं हो पा रही, मतलब कि एक और, मतलब इसमें मैंने देखा है कि अगर ये सोचते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप लेने से कुछ होगा क्या, या फिर सेकंड ड्रॉप, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर किसी का थर्ड ड्रॉप भी हो ना उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी जो स्टूडेंट्स कुछ पढ़ते थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनका 3-3 साल का भी ड्रॉप था, लेकिन उनके बाद, उसके बावजूद भी उनके बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हुए, इवन आज वो फॉरेन में है, तो बहुत अच्छा, मतलब अमेजन जैसी कंपनीज में वो जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है वो।
तो 2-3 साल का भी अगर ड्रॉप अगर लेते हैं, लेकिन अगर हमने एक अच्छी जगह पर अगर हम पहुंच गए तो हमारे सारे पाप एक तरीके से खत्म हो जाते, धुल जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि सेकंड या थर्ड ड्रॉप लेके भी अगर हम अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं, पर अगर हमने ड्रॉप लिया और हम प्राइवेट में चले गए तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे प्राइवेट में तो उनको बच्चे में ही कमी निकालनी होती। तो ये अंतर, हाँ। अब आपने भी देखा आपके कॉलेज में कई बच्चे दूसरे कॉलेज में ले भी लेते थे एडमिशन, फिर मेहनत करते थे, फिर बात छोड़ के आ जाते थे। तो ये जो चीज आप बता सकते हो बच्चों को, ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो यहाँ पर वही मैं कहूंगा कि अगर आप लोग को लगता है कि एक साल में जो ड्रॉप लेना है, 2 साल रहना है, तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर है, वही जो सर ने कहा कि हमें ड्रॉप लेना या नहीं लेना ये किसी और नहीं, कोई और नहीं बता सकता कि मेरे लिए ये अच्छा होगा कि नहीं होगा। अगर मेरे में विल पावर स्ट्रांग है, अगर मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं मेहनत कर लूंगा, सिर्फ मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तो गाइडेंस के लिए तो हम लोग अवेलेबल है यहाँ पर। तो अगर आप गाइडेंस की आपको जरूरत है, आप कभी भी यहाँ पे विजिट करिए, हम आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस देंगे, और बाकी आप वीडियोस के थ्रू भी हम प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश भी करते हैं, ऑनलाइन कोर्स में भी हम बताते हैं। तो किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन अगर करना चाहें तो ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं, क्लासरूम से जुड़ सकते हैं, प्लस ऑनलाइन में हम ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप एक हफ्ते के लिए विजिट करके देख लो, अगर आपको कैसा देखना है कि क्लासरूम में कैसा पढ़ाई होती, तो ये सारे ऑप्शन तो हमारे पास है। लेकिन पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, हमें विल पावर अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ड्रॉप ले सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा है कि मैं अगले साल अब बहुत मेहनत करके निकाल लूंगा। एक और बात होती है ना, जैसे आपने बोला ड्रॉप कब लेना पड़ता है, ड्रॉप लेने के 3-4 रीजन हो सकते हैं। वैसे इस बार पेपर अनएक्सपेक्टेड था, फिर भी एक चीज होती है कि हमने या तो बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं की या हमने लेट पढ़ाई की। पहले असेसमेंट करना चाहिए। जैसे हम आईआईटी के लिए बात करते हैं, जब मुझसे आईआईटी वाला बच्चा 12th का पूछता है कि सर ड्रॉप लूं कि नहीं, तो मैं हमेशा पूछता हूं कि कब से पढ़ाई की, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 2-3 साल मिले तो बहुत अच्छा। तो अगर कोई बच्चा 10th से स्टार्ट कर दे या 11th से तो अच्छी बात है, पर अगर कोई बच्चा बोले सर हमने 12th में आईआईटी सोचा, तो मैं ड्रॉप के मना करता हूं, क्योंकि आपने उतना समय नहीं दिया। तो हो सकता है कि आपने एमसीए के लिए बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट की, तो ड्रॉप लेने का रीजन भी खुद से असेस करना चाहिए कि मैंने इस साल उतनी मेहनत की नहीं जितनी रिक्वायर्ड थी। और एक साल अपने आप को जीवन में हमेशा देना चाहिए, एक सक्सेस आपकी इंटायर लाइफ चेंज करती है। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वो करिए जिसमें आपका खुद का दिल बोले, पर उससे आपको अगला 50 साल दिखना चाहिए और बहुत क्लियर विजन दिखना चाहिए, जब भी आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो ये जो तैयारी है निमसेट की, वो हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने 1 साल में हो जाती है, लेकिन एक्चुअली उसको 2 साल लगते हैं। वो एक साल में वो लोग कर सकते हैं जिनका कि मैथ्स बैकग्राउंड था, 11th 12th था, या फिर एक साल में उन्होंने डबल, हाँ, या फिर उन्होंने एक साल में डबल मेहनत करी है, तो उन्होंने 2 साल के बराबर कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 11th और 12th 2 साल की मैथ्स है, प्लस रीजनिंग भी है, कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत पोर्शन रहता है, तो अगर देखा जाए तो जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो कवर करने के लिए 2 साल चाहिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है। वो लोग ही 1 साल में निकाल पाते हैं जिन्होंने 1 साल में 2 साल के बराबर मेहनत करी हो, या पास्ट में कभी तो मेहनत करा हो, मेहनत की 11th 12th में, और फिर वो 1 साल मेहनत करते हैं। पर अपने यहाँ टच वुड की अच्छी बात है कि वो कि बच्चा 1 साल में भी अच्छी मेहनत कर निकाल लेता, नहीं तो कई जगह 2-3 दिन इवन तो 6 महीने भी निकाल लेते हैं। 6 महीने ऐसे भी थे इस बार जिन्होंने त्रिची मिला और 6 महीने प्रिपरेशन करी, बट उन्होंने 11th 12th अच्छे से पढ़ा, और नहीं तो ये चीज आती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के स्टूडेंट, मैं तो कहूंगा कि अगर कहीं के भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या फिर कहीं किसी भी सिटी में पढ़ रहे हो, तो सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी है कि मेरे पास तो कॉल्स आते रहते हैं, और स्टूडेंट्स जो कि कनेक्टेड हैं तो वो मुझे बताते हैं कि हम लोग XYZ कोचिंग में या इंस्टीट्यूट में या इस जगह पर पढ़ रहे थे, लेकिन हम रात में शरद सर के वीडियोस देखते थे, उससे पढ़ते थे, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हमारे से जुड़ा हुआ है। और ये हमको थैंक यू मैसेजेस आते रहते हैं कि आपके थ्रू, आपके कारण हमारे इतनी अच्छी रैंक आ गई। और अब ठीक है, वो तो कहीं पर भी है, वो तो हमारा सपोर्ट तो हर सबके साथ एक ही जैसा रहता है, नहीं कि बच्चा यहां पढ़े, कहीं पर भी हो, तो कहीं पर भी हो, हमारे लिए तो डोर सबके लिए ओपन होते हैं, हम सभी को सपोर्ट करते हैं और उसी तरह से हम टैकल करते हैं। और दूसरी बात, कुछ बच्चे मिसगाइडेड हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चे बीच में ही छोड़ के चले आते हैं कोचिंग, यहाँ पर नहीं, ऐसा हर जगह पर होता है, ऐसा हर जगह होता है कि ना एक जगह पर कोई बच्चा कुछ समय पढ़ता है, उसके बाद उसको वहां की चीजें समझ में नहीं आती है, या समझने से पहले ही वो छोड़कर चले जाता है, गिव अप कर देता है, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब कि उसको पहली बात तो गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो या तो उससे पूरा ट्रीटमेंट हम करवाएं, और नहीं तो फिर करवाएं ही ना। और किसी भी डॉक्टर के पास जब तक आपका 100% फेथ नहीं होगा, तब तक वो नहीं हो पाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब अगर कोई एंड सही जगह का बारे में कौन बता सकता है, अगर हम पूछें कि इम्पेटस के बारे में कोई कैसा कौन बता सकता है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में कौन बता सकता है, तो वही बच्चा बता सकता है जो शुरू से लेकर आखिरी तक रहा होगा, हर दिन रहा होगा, हर चीज उसने अटेंड करी होगी, हर क्लास अटेंड करी होगी, हर टेस्ट अटेंड करे होंगे, हर सेशन अटेंड करे होंगे, वो आपको 100% सही चीज बता सकता है। कभी भी कोई बीच सेशन में कोई आ जाए और बीच में ही छोड़कर चला जाए, तो वो कभी भी चीज नहीं बता सकता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लास्ट में वो कोई नहीं जानता है।
क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने लास्ट में ऐसी ऐसी चीजें की है जिससे ड्रास्टिक चेंज आया है रिजल्ट में, और वो नो डाउट दिखता भी है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड पेपर था। लास्ट टाइम में कंप्यूटर पढ़ा है, उसका बहुत फायदा मिला पूरे 64 मतलब कि 80 मार्क्स का आता है, 80 में से 64, 65, 70 मार्क्स सिर्फ कंप्यूटर में गेन कर लिए, वो भी इस पोर्शन ऐसे पेपर में जहां पर कि 50 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल का काम हो रहा था। ये जो आपने बात बोली इस पे मैं आप बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, पर जो बच्चे मैं हमेशा बोलता हूँ अपने यहाँ का रिकॉर्ड भी हमारे जो बच्चा लास्ट तक रुकता है 99% चांस है कि उसका एक अच्छा रिजल्ट आता है। केवल रिजल्ट नहीं, बहुत सारी चीजें इंपिटस में जो बच्चे लर्न करते हैं, एक फैमिली जैसा माहौल होता है, बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़ते हैं, सबसे अच्छी बात है डाउट पूछ पाते हैं, एक डाउट सेशन होता है, आपस में डाउट पूछ पाते हैं। जैसे अपने कुछ बच्चे आए वो बताते हैं कि हम वहां थे तो वहां डाउट ही नहीं पूछ सकते थे या हम कभी बात नहीं कर सकते थे, पर ये सब चीजें हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कि अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन है तो किसी और से पूछने से अच्छा हमसे पूछिए, हमें कॉल करिए, हमसे पूछिए, या फिर यहाँ पर आके विजिट करिए और खुद देख के जाइए। मतलब कि किसी सुनने से भी अच्छा ये है कि हम खुद आके देख लें। वो बात मैंने कॉलेज के लिए बोली है, वो बात मैं यहाँ के लिए भी बोल सकता हूँ। मतलब कि हमारा तो ओपन कैंपस है, आप आइए विजिट करिए, देख के जाइए, पढ़ के देख के जाइए, दो दिन चार दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस जगह पर, मतलब कि मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है। मतलब कि अगर हम किसी और से सुनने से अच्छा खुद देख ले, खुद जज कर ले आके, और ये ऐसा मुझे लगता नहीं बहुत कम इस तरह से बोल सकते क्योंकि हमें अपने पे कॉन्फिडेंस है कि अगर हम सही कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें, इसलिए हम आज हमें कोई डर नहीं। इतना ऑनलाइन बच्चा जुड़ा 2020 तो छोड़ो 21-22 का, और बच्चे ऑनलाइन वाले 1 वीक के लिए आ भी रहे हैं पढ़ने, तो यहाँ पे एक चीज है मैं आपको बोलूंगा, आप हमेशा ऐसी जगह पढ़ें जहां पर आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, जहां पे आपको क्लियरिटी हो और आप कुछ नॉलेज गेन करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पूरे हर कोई भी सेशन आप मेरे देखें, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो बेटा, आप कभी भी नंबरों की पढ़ाई मत करो। और दूसरा रहा ड्रॉप का, ये आपका डिसीजन पर्सनल है, पर मैं बोलूंगा कि जिस साल से आपका अगर अच्छा जीवन बनने वाला है उस साल को ना बचाएं तो अच्छा है, और फिर बाकी आपको यह डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब भी आपका काउंसलिंग अभी चल भी रहा है तो इस बात की चिंता मत करिए कि काउंसलिंग खत्म हो जाए उसके बाद में कुछ डिसीजन लूं, क्योंकि बाद में आपको डिसीजन ले पाओगे। अगर आपने कोई कॉलेज ले लिया, ऑप्ट कर लिया, तो फिर आप ये सोचोगे कि ठीक है अब मैं वहां पे जाके मेहनत कर लूंगा, वहां पे कुछ कर लूंगा, तो डिसीजन फिर थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा भी डाउट है आप सर को कॉल करिए, मुझे कॉल करिए, किसी को भी कॉल करिए, और थोड़ा सा हमसे भी सजेशन लीजिए, अपने पेरेंट्स से सजेशन लीजिए, लेकिन सजेशन हमेशा उस पर्सन से लीजिए जिसको कि उस बारे में नॉलेज हो, जिसको उस फील्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। आधी अधूरी नॉलेज से कोई आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कई लोग तो ये भी कहेंगे कि एमसीए करना बेकार है, उसमें क्या स्कोप है, वैसे तो बी भी बेकार है, वो तो हर चीज बेकार है। फिर तो डिपेंड करता है हम डिग्री कहां से ले रहे हैं, ये चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी कोर्स हम कहां से कर रहे हैं। और एमसीए में मानता हूं कि लास्ट डिग्री होती है, और लास्ट डिग्री जितनी अच्छी होगी जीवन में उतना उसका प्रभाव मिलेगा। तो आई थिंक आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो हमारे पास भेजिए, हम यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लस अगर आपके पास कोई भी अभी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम उसको उस पर भी सेशन लेने की कोशिश करेंगे। और अगर लास्ट में सर आप कुछ, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा बच्चों कि आप जो भी डिसाइड करें, डिसीजन आपका होगा, हमारा डिसीजन नहीं होगा, पर जो भी करें जीवन में अच्छा करने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान बनने की कोशिश करें, वो ज्यादा जरूरी है। और आप डिसाइड कर लें जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहां का पूरा एनवायरनमेंट जानने के बाद ये प्लान करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप बेझिझक फोन करें, हम जहां तक जितना हो सकता है उतने आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। इवन ये सेशन कोई आखिरी सेशन नहीं है, अभी भी कोई कंफ्यूजन आएगा, आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग फिर से एक सेशन लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।